और क्या हालचाल गाइस। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि डाइशिनकन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स सीरीज में हमें ये इविल चेनरॉन्स क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आने वाले कुछ पार्ट्स में हमें इन्हीं इविल चेनरॉन्स की वजह से कुछ नया देखने को मिलेगा। और गाइज मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ड्रैगन बॉल जीटी की जो स्टोरी है और डाइशिनकन गोकू की जो स्टोरी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि ड्रैगन बॉल जीटी की कुछ चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन यही शैडो ड्रैगन वाली स्टोरी आगे चलकर बदल जाएगी। आई होप गाइज किसी भी चीज का डाउट अब नहीं बचा होगा, और इसीलिए अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि बार्डॉक मनीमन इस बात को कंफर्म कर रहा था कि क्या गोकू ही कैकरॉट है, और अगर गोकू ही कैकरॉट है तो मुझे गोकू के अर्थ पर आने तक का इंतजार करना होगा। और बार्डॉक इतना मनीमन कह रहा होता है कि तभी हमें पैन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पैन के सामने सेवन स्टार ड्रैगन बॉल से बना हुआ नेटोरॉन शेनरॉन आ चुका होता है। और ये सेवन स्टार ड्रैगन बॉल से बना हुआ शेनरॉन जमीन में रहने वाले मोल को अब्सॉर्ब करके आया होता है, और इस नेटोरॉन शेनरॉन को देखकर पैन नेटोरॉन शेनरॉन से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया भर में फैले हुए सभी शेनरॉन्स मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं, जबकि मैंने अभी अभी एक शेनरॉन को डिफीट किया है। और पैन इतना कह रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो नेटोरॉन शेनरॉन यहाँ वहाँ देखता है और तुरंत फिर से जमीन को खोदना शुरू कर देता है। और हमें ये देखकर ही पता चल जाता है कि ये नेटोरॉन शेनरॉन हेड शेनरॉन से चार गुना जायंट होता है। और हम देखते हैं कि ये बड़ा सा नेटोरॉन शेनरॉन जमीन के अंदर जमीन को खोदते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। और पैन नेटोरॉन शेनरॉन को शहर की तरफ बढ़ते देखकर पैन कहती है, मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो ये पूरे शहर को कुछ ही मिनट में तबाह कर देगा। और हम देखते हैं कि इतना कहने के बाद पैन जमीन पर बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वो नेटोरॉन शेनरॉन जमीन के बाहर आ जाता है। और फिर ये नेटोरॉन शेनरॉन जमीन के बाहर आकर पैन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मेरे काम करने से रोका, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इतना कहने के बाद नेटोरॉन शेनरॉन अपने बड़े बड़े नाखून से जमीन के बहुत सारे पत्थरों को बहुत ही तेजी से पैन की तरफ फेंकने लगता है। और हम देखते हैं कि ये पत्थर बहुत ही तेज होते हैं, जिसकी वजह से पैन बहुत ही मुश्किल से इन पत्थरों से बच पाती है। और फिर नेटोरॉन शेनरॉन के ऐसा करने की वजह से पैन को गुस्सा आ जाता है। और फिर पैन नेटोरॉन शेनरॉन से गुस्से में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने उस कांटे वाले हरे शेनरॉन का किया था। और पैन की इस बात को सुनकर नेटोरॉन शेनरॉन पैन से कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुमने हेड शेनरॉन को खत्म कर दिया। और नेटोरॉन शेनरॉन इतना कहने के बाद मनीमन कहता है, जरूर इस छोटी सी बच्ची में कुछ तो बात है जिसकी वजह से इसने हेड शेनरॉन को खत्म कर दिया। और नेटोरॉन शेनरॉन इतना मनीमन कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि पैन कामेहामेहा को चार्ज करने लगती है। और फिर नेटोरॉन शेनरॉन पैन को कामेहामेहा चार्ज करते देखकर पैन की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, क्या यकीन नहीं होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी सारी एनर्जी, ये एनर्जी मेरे बहुत काम आएगी। और नेटोरॉन शेनरॉन इतना मनीमन कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि पैन अपना पावरफुल कामेहामेहा नेटोरॉन शेनरॉन की तरफ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि पैन के इस कामेहामेहा को नेटोरॉन शेनरॉन पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। और पैन के कामेहामेहा को अब्सॉर्ब करने के बाद नेटोरॉन शेनरॉन की बॉडी से बहुत ही तेज लाइट निकल रही होती है, और हम देखते हैं कि नेटोरॉन शेनरॉन से निकलने वाली ये लाइट पैन को अपनी तरफ बहुत ही तेजी से खींच रही होती है। और फिर पैन बहुत ही तेज चिल्लाने लगती है, और ये नेटोरॉन शेनरॉन पैन को अब्सॉर्ब करने वाला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि तभी वहां पर पिकलो, गोटेन, ट्रंक्स और बाकी जी फाइटर्स आ जाते हैं। और फिर पिकलो पैन को देखकर पैन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पिकलो लेट हो जाता है, और पिकलो के आंखों के सामने ही नेटोरॉन शेनरॉन पैन को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। और पैन को अब्सॉर्ब करने के बाद नेटोरॉन शेनरॉन की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नेटोरॉन शेनरॉन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और नेटोरॉन शेनरॉन ट्रांसफॉर्म होने के बाद खुद से कहता है, वाह, मेरी ताकत तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस छोटी सी बच्ची में तो बहुत सारा पोटेंशियल है, मैंने इसे अब्सॉर्ब करके बिल्कुल सही फैसला लिया है। और ये नेटोरॉन शेनरॉन खुद से इतना कहता ही है कि तभी पिकलो नेटोरॉन शेनरॉन से कहता है,
मैं कहता हूँ पेन को इसी वक्त लौटा दो, तुमने पेन के साथ क्या किया। और पिकलो की इस बात का जवाब देते हुए न्यूट्रॉन शेनरॉन पिकलो से कहता है, मैं हूँ न्यूट्रॉन शेनरॉन और मैं 7-स्टार ड्रैगन बॉल से बना हूँ और मैंने छोटी सी बच्ची को अब्सॉर्ब कर लिया है ताकि शेडो ड्रैगन के कहे मुताबिक मैं इस दुनिया को खत्म कर सकूं। और न्यूट्रॉन शेनरॉन इतना कहता ही है कि तभी न्यूट्रॉन शेनरॉन के अंदर से पेन की आवाज आती है और पेन पिकलो से कहती है, पिकलो मैं यहाँ न्यूट्रॉन शेनरॉन के अंदर हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और पेन की इस आवाज को सुनकर पिकलो कहता है, क्या ये तो पेन है। पेन परेशान मत हो, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे तुम्हें न्यूट्रॉन शेनरॉन की बॉडी से अलग करने के लिए। और पिकलो के इतना कहने के बाद गोटेन भी पेन से कहता है, हाँ पेन परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ यहाँ पर हैं। और गोटेन के इतना कहने के ठीक बाद पिकलो न्यूट्रॉन शेनरॉन से कहता है, इविल शेनरॉन तैयार हो जाओ, जो तुमने किया उसकी सजा मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगा। और इतना कहते हुए पिकलो ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद पिकलो भी न्यूट्रॉन शेनरॉन की तरह जॉइंट हो जाता है। और फिर ऑरेंज पिकलो को देखकर न्यूट्रॉन शेनरॉन कहता है, पिकलो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा सामना मुझसे होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। और न्यूट्रॉन शेनरॉन की इस बात को सुनकर पिकलो मन ही मन कहता है, ये तो मेरा नाम भी जानता है, हो सकता है कि पेन को अब्सॉर्ब करने की वजह से ऐसा हो, या तो शेनरॉन मेरा नाम जानता था, हो सकता है कि शेनरॉन की वजह से ये इविल शेनरॉन भी मेरा नाम जानता हो। और इतना मन ही मन कहने के बाद पिकलो अपना पंच न्यूट्रॉन शेनरॉन पर करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, पेन को इसी वक्त आज़ाद करो। और इतना कहते हुए पिकलो अपना पंच न्यूट्रॉन शेनरॉन के फेस पर करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन शेनरॉन पीछे की तरफ पुश होकर गिर जाता है। लेकिन तुरंत ही न्यूट्रॉन शेनरॉन जमीन से उठकर खड़े हो जाता है और ऑरेंज पिकलो पर अपने नाखून से हमला करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि ऑरेंज पिकलो न्यूट्रॉन शेनरॉन के नाखून से बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट को देख कर बारडॉग छुप कर मन ही मन कहता है, पता नहीं मुझे इस प्लेनेट पर और कितना समय इंतज़ार करना होगा, मैं इन लोगों की परेशानी के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मजबूर हो ही जाता हूँ। और बारडॉग छुप कर मनीमन इतना कहता ही है कि तभी हमें बीरस के प्लेनेट पर पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इतनी ज़्यादा हाई ग्रेविटी पर वेजिटा गोकू के हाथों पिट रहा होता है। और वेजिटा को गोकू के हाथों पिटते देखकर विस वहां पर वेजिटा से कहता है, मैंने तो कहा था वेजिटा कि तुम गोहान के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो। और रही बात गोकू की, तो वो पहले भी पिरामिड ऑफ पावर में आ चुका है और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, और यही वो वजह है वेजिटा जिसकी वजह से तुम गोकू की स्पीड की बराबरी नहीं कर पा रहे हो। और विस इतना कहता ही है कि तभी हमें गोहान और ब्रॉली का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेजिटा की तरह ही गोहान का भी ब्रॉली के सामने वही हाल हुआ होता है, लेकिन फिर भी गोहान वेजिटा से अच्छा कर रहा था और ब्रॉली को अच्छी टक्कर दे रहा था, और इसी वजह से ब्रॉली धीरे धीरे अपनी इकारी फॉर्म में पहुंच रहा था। और गोहान ब्रॉली को बदलते हुए देखता है, जिसकी वजह से गोहान ब्रॉली से दूर हो जाता है और विस से कहता है, विस देखो ब्रॉली तुम्हारे बनाए हुए नियम को तोड़ रहा है और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। और गोहान की इस बात का जवाब देते हुए विस गोहान को समझाते हुए कहता है, नहीं गोहान ऐसा नहीं है, ब्रॉली की बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट उसकी इकारी ताकत है, और ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये ब्रॉली की बॉडी की आखिरी लिमिट है जिसे वो इकारी फॉर्म कहता है। और विस के इतना कहने के बाद गोहान ब्रॉली को देखते हुए मन ही मन कहता है, इसका मतलब ये ब्रॉली की बॉडी की आखिरी लिमिट है जो कि उसके बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट है, और अब इसी वजह से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ब्रॉली पहले से ही मुझ पर भारी पड़ रहा था और अब वो अपनी बॉडी की आखिरी लिमिट पर है। और मनीमन इतना कहने के बाद गोहान ब्रॉली से कहता है, ठीक है ब्रॉली, मेरे पास भी तुम्हारी ही तरह तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। और इतना कहने के बाद गोहान अपने मिस्टिक अल्टीमेट फॉर्म में पहुंच जाता है। और फिर मिस्टिक अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद गोहान विस से कहता है, तो विस देखो ये है मेरी मिस्टिक पावर जो ओल्ड गाय के जरिए मेरी बॉडी की कई सारी ताकतों को अनलॉक करके आई है, और ये मेरी मिस्टिक ताकत बिल्कुल ब्रॉली के इकारी ताकत के जैसा ही है, क्योंकि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और गोहान की इस बात को समझते हुए विस गोहान से कहता है,
ठीक है गोहान, मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारी ये ताकत कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की कुछ ताकतों को अनलॉक करके तुमने इस ताकत को हासिल किया है, जिसे तुम अपनी मिस्टिक या अल्टीमेट फॉर्म कहते हो। और विस्क इतना कहने के बाद गोहान ब्रॉली से कहता है, ठीक है ब्रॉली तैयार हो जाओ। और इतना कहने के बाद एक बार फिर से गोहान ब्रॉली से फाइट करते हुए ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और फिर हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेजिटा अभी भी गोकू की बराबरी नहीं कर पाता है। और गोकू वेजिटा पर भारी पड़ते हुए कहता है, क्या हुआ वेजिटा, तुमने तो कहा था कि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर आने के बाद तुम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करोगे, लेकिन तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। और गोकू के इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू से फाइट करते हुए कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कैकरोट, मेरी ताकतें पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। और इतना कहने के बाद वेजिटा फाइनली गोकू के फेस पर एक जोरदार पंच कर ही देता है। और वेजिटा के पंच करने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, क्या वेजिटा तुमने ये कैसे किया। और गोकू वेजिटा से इतना पूछता ही है कि तभी वेजिटा एक स्माइल देता है और तुरंत ही वेजिटा गोकू की तरफ जाकर ट्रेनिंग करते हुए फाइट शुरू कर देता है। और विस वहां पर सभी सेयंस को देखकर मन ही मन कहता है, लॉर्ड बीरस की तरह मुझे भी इस बात को मानना ही होगा कि सेयन सच में लाजवाब होते हैं। और अब वक्त आ चुका है कि मुझे पिरामिड ऑफ पावर का रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करना चाहिए। और मनीमन इतना कहने के बाद विस वहां पर सभी सेयन से कहता है। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए